मनेर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहिएगा? क्या राष्ट्रीय जनता दल का मनेर प्रखंड के कार्यकर्ता सम्मेलन है जी, आगामी 2020 के चुनाव की तैयारी की, और कैसे हम चुनाव जीतेंगे रणनीति बनाने के लिए हमारी पार्टी के बैठक। कितने बजे का टाइमिंग रहेगा सर? क्या हम 12:15 से शुरू करेंगे जी, चलेगा जितना देर भाषण कर सकता देंगे, सुझाव देंगे, चलेगा। एजेंडा क्या रहेगा, कल का विषय क्या रहेगा? एजेंडा तो बता दिया जी, बिहार विधानसभा के चुनाव, पार्टी को संगठन को मजबूत करना, बूथ लेवल जो कमेटी बन गई है आपको छूटा हुआ उस पर चर्चा, इसे विस्तार से बात होगी। लक्ष्य है कि राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया प्रत्येक बूथ पर 31 सदस्यीय बूथ कमेटी बनाने का निर्देश हुआ था, उस बूथ कमेटी के लोग हम लोगों ने बनाया है ट्रेनिंग देने के लिए कि बूथ पर कैसे हम अपने लोगों को बूथ पर ले जाएंगे, वोट दिलवाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, एनडीए की जो सरकार है बिहार में है, वो लोग जो है गड़बड़ करेंगे, और हमेशा बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों ने, यहाँ तक लोजपा ने भी आग्रह किया कि कोरोना के चलते बिहार विधानसभा के चुनाव को बढ़ा दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के दबाव पर चुनाव आयोग ने इसको तिथि को नहीं बढ़ाया, और लॉकडाउन में लाखों लोग मर गए और बहुत लोग लाखों लोग बीमार हैं बिहार में, और लॉकडाउन के चलते बिहार में काफ़ी लोग मरी थे, 1000 को लोग थे, प्रवासी मजदूर जो थे जो आए थे 46-47 लोग जो नीतीश के राज्य में बिहार से बाहर चल गए थे, उनको रोजी रोटी सब नहीं मिला, तो पलायन हो गया था, और लॉकडाउन में इस फैक्ट्री में काम करते थे इस राज्य में काम, तो वहाँ के मकान मालिक ने, फैक्ट्री के मालिकों ने उनको निकाल दिया, यहाँ तक कि जिस मकान मालिक ने निकाल दिया, भुखमरी के कारण सैकड़ों लोग जो है बस से ट्रक से जो लोग आए कट के मर गए, दवा बिना खाना बिना। तो ये सवाल है, हमारे नेता तेजस्वी यादव पिछले बार भी वेक्टरी कॉलेज में बुनियादी यात्रा के लिए बिहार में दौरा किए कि करोड़ों नौजवान रोजगार हैं उनको नौकरी के लिए उनको जाहिर करने की ओर ध्यान चला। आपको मालूम होगा पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 15 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देंगे, हम प्रत्येक वर्ष जो है करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो आज है लगभग 6 बरस हो गया है, नौकरी कहाँ देंगे, नौकरी सक्रिया हो गया, कई फैक्ट्री बंद हो गए, तो ऐसे स्थिति में और लॉकडाउन के चलते जो है बहुत मजदूरों के नौजवानों की स्थिति खराब हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो रोजगार नौकरी हम देंगे, रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे, विदेशी कंपनियों को हम लाएंगे, नीतीश जी के राज्य में भय के वातावरण, हत्या बलात्कार रूप हो रहा है, चोरी हो रही है, इसलिए जो फैक्ट्री वाले हैं जो बड़े मालिक हैं जो विदेशी लोग हैं बिहार में रोजगार लगाना नहीं चाहते हैं, ये इशू है, और इस सवाल को लेकर हम विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं, बेरोजगारों को हम काम देंगे, इंजीनियर बेकार है, टेक्नीशियन बेकार है, जो एम ए के प्रोफेसर बेकार है, सारे लोग बेकारी के कारण है, जो बेरोजगारी के मतलब क्या है, पढ़े लिखे एम ए बी ए नहीं, जो जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गया है और
कम पढ़ा लिखा आदमी जो मैट्रिक पास भी नहीं है उसको भी रोजगार का सृजन की आवश्यकता है, उसको भी रोजगार चाहिए, उसका भी बाल बच्चा भी है। तो सरकार के गलत नीति के कारण बिहार बेहाल स्थिति में है, न सड़क है, न पुल है, न पुलिया है। हम इस मनेर विधानसभा के रहने वाले हैं, आपको दानापुर शिकारपुर से लेकर आपका मोहम्मदपुर जो पड़ता है बीजापुर में मोहम्मदपुर मुसरई जी, आपका परिचय? मेरा परिचय है देव मुनि सिंह यादव, अध्यक्ष पटना राष्ट्रीय।